टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। ये इंग्लैंड दौरे पर सकारात्मक पहलू है। तीसरे हाई स्कोरिंग टी20 में ब्रिस्टल में भारतीय फैंस का जमकर मनोरंजन हुआ। कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 220 का स्कोर आसानी से बना लेगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड को 198 रनों पर रोक दिया। ये जरूरी स्कोर से कम था। फ्लैट ट्रैक पर ऐसा लगा कि ये स्कोर टीम इंडिया के लिए बेहद आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। बल्लेबाजों को पिच पर रुकना था और स्कोर बनाना था। टीम इंडिया ने शिखर धवन का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर से जोरदार पारी खेली। उन्होंने 56 गेंदों में शतक जड़ दिया। रोहित शर्मा इस नाबाद छक्की पारी में 5 विशाल छक्के और 11 चौके लगाए। रोहित की पारी को देखना सचमुच काफी शानदार था। रोहित शर्मा ने मैदान के चारों तरफ अपने शॉट्स खेले। सचिन तेंदुलकर रोहित शर्मा के गेम को देख रहे थे। वो लगातार ट्विटर पर अपनी राय देते रहे। भारत की आधी पारी होने पर मास्टर ब्लास्टर ने कहा था कि भारत 19 ओवर में इस लक्ष्य का पीछा कर लेगा, और जब भारत ने वाकई में 19 ओवर में जीत हासिल कर ली तो सचिन तेंदुलकर ने मुंबई के रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। उन्होंने रोहित की इस बात के लिए भी तारीफ की कि उन्होंने सचिन की भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। भारत ने 19वें ओवर में मैच जीत लिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।